आता है। ओहो, बिगड़ते क्यों हो? समझ की बात तो कह रही है लड़की।
अरे इसके बाप ने कभी समझ की बात की है जो ये समझ की बात करे? दीदी तुम अपने स्कूल जाओ और जाके बच्चों को पढ़ाओ। बाबूजी क्या आप मुझे 10 रुपए देंगे? चुप मक्खन देव मक्खन आया बाबूजी। जी मक्खन कहाँ? जी मैं तो खड़ा हूँ। ओहो तो क्या तुझे टोस्ट पे लगा के खा जाओ? जी नहीं वो क्या आपके सामने टेबल पे मेरे सामने रख मक्खन का डिब्बा। जी मैं क्या जल्दी लिया? जी हाँ दहेज बंद कर। हाँ दहेज बंद हो जाए तो लड़की वालों के सर से बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाए। भाई हो बिस्ती थी कौन है ये लड़की? हमारे स्कूल में पढ़ाती है पिताजी। हाँ हमारी मास्टरानी है। अच्छा वो तेरी टीचर है? तभी तभी क्या कुछ नहीं बाबा। वैसे लड़की समझदार है पिताजी पर थोड़ी सी ना समझ है। क्यों भैया ना? दहेज की समस्या को हल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अच्छा बता अगर पिताजी ने तेरे लिए कोई लड़का देख देख इधर देखना तेरे लिए कोई लड़का तलाश किया और उसने दहेज मांगा तो तू क्या करेगी? मैं शादी नहीं करूंगी। कब तक नहीं करेगी? कभी नहीं करूंगी। तो हो गई समस्या हल। अरे पगली दहेज को खत्म करने के लिए लड़के लड़की दोनों के सहयोग की जरूरत है। अकेली लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है बेटे मगर ऐसा होना बहुत मुश्किल। पिताजी मैं एक बात बताऊं? बोलो बेटा। भैया की शादी में दहेज मिलेगा और दीदी की शादी में दे देना। पिताजी मैं जरा लाइब्रेरी जा रही हूँ। दीदी आपका नाश्ता? नहीं मिश्री आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं। अरे बेबी 8:30 बजे स्कूल नहीं जाएगी? मिश्री इसे स्कूल ले जा। कहाँ जा रहे हैं साहेबजादे बंठन के? बाबूजी मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा था वो पढ़ने जा रहा था। तुमसे कितनी बार कहा गया बाहर जाते वक्त ऐसा लिबास पहन के जाओ कि जिसे देख कर कोई ललचाए नहीं। बाबूजी ये जमाना बहुत बुरा है बेटा। लड़कों की शॉर्टेज है यानी कि लड़कियां हैं ज्यादा लड़के हैं कम। इसमें डरने की क्या बात है? तुम नहीं समझते बेटा आजकल लड़की वाले लड़कों को मुफ्त पटा लेती हैं। माँ बाप को पता तक नहीं चलता। मुझे कौन उड़ा सकता है? मैं तो बच्चा हूँ क्या? अगर तू बच्चा होता तो कोई चिंता न होती। तू तो मेरा 20,000 का चेक है ना। अगर किसी लड़की के हाथ लग जाए तो मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। हाँ। आप घबराइए मत बाबूजी ये तो क्रॉस चेक है आप ही के खाते पे जमा होगा। बाय बाय। ए भैया आ कपड़े बदल के जाओ। तू चुप बे। चुप क्यों? ठीक है तो कह रहा। शाबाश बेटे शाबाश। लेकिन बाबू जाओ सर कपड़े बदलो जाओ जाओ। तुमने फिल्म सुजाता नहीं देखी? ओहो लेकिन ऐसे कपड़े पहन के आए हो। बात यह है कि मेरे पिताजी उनको डर गई उनको चेक कैश पहुंचा। हाँ क्या मतलब? मैं गड़बड़ कर गया। बात कुछ दूसरी थी। उनका एक चेक है ना वो मेरे पास पड़ा हुआ। अब वो डर से अगर कहीं मैं सूट पहन के निकलूं तो मेरे पीछे चोर लुटेरे डॉक्टर जाए तो I'm sorry. अरे नरगिस ने शादी कर ली? हाँ पड़ोस में एक पोखल बैठा हुआ है। क्या है? बस तुम्हारी जितनी दहेज के खिलाफ बहुत अरे उसके बाद मेरे पिताजी ने
ने वो स्पीच दी कि सारी महफिल उखाड़ दी। हाँ बहुत दिन से ख्याल है तुम्हारे पिताजी के। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी के जो पिताजी थे ना उनका तो जवाब ही नहीं था, सारे शहर में एक ही तो थे। विधवा की शादी के लिए आवाज उठी हमारे, बूढ़ों की शादी रोकने के लिए आवाज उठी हमारे, बच्चों की शादी के खिलाफ आवाज उठी हमारे। ए महाशय जी, आवाज उठाने वालों को लाइब्रेरी में नहीं आना चाहिए, जरा खामोश रहिए। जी बिल्कुल सुनिए, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? बात जी आप जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे कुछ कुछ होता है, अच्छा अच्छा सा होता है। मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं मोहब्बत में जो किसी ने ना किया हो। तुम कहो तो ये टेबल उठा के या फिर मैं चीख चीख के तुमसे मोहब्बत करूं। नहीं तुमको ऐसा नहीं होता? नहीं होता, नहीं। मेरी बात सुनो, सुनो ना, सुन मेरी रजनी रे। This is library. Nice. Rajni, Rajni. सुन मेरी रजनी रे। देखिए आप ये घोड़ी घोड़ी मत क्या मुझे तकलीफ होती क्या? रजनी भगवान के लिए आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं आपका सच्चा प्रेमी पागल हूँ। आप क्या रजनी क्या रजनी मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, यूं छुप छुप मोहब्बत की बात हो, तुम मेरे साथ हो। ऐसी शाम रोज 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 इस जगह मिलाए, ऐसी शाम रोज रोज प्यार लेके आए, दो दिलों को रोज रोज इस जगह मिलाए, यूं आंखों में आंखें हो हाथों में हाथ हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, यो छुप छुप मोहब्बत की बात हो, तुम मेरे साथ हो। दिल की मैं किताब खोलूं पढ़ के तुम सुनाओ, मेरी धड़कनों के गीत गुनगुनाती जाओ। दिल की मैं किताब खोलूं पढ़ के तुम सुनाओ, मेरी धड़कनों के गीत गुनगुनाती जाओ। जमाना न समझे निगाहों से बात हो, मेरे साथ हो, तुम
मेरे साथ हो वो छुप छुप मोहब्बत की बात हो तुम मेरे साथ हो बहुत दिन हुए एक राजा था राजा मेरे और तुम्हारे प्यार की हो इस कहानी सुन के जिसको झूम झूम जाए हर जवानी मेरे और तुम्हारे प्यार की हो इस कहानी सुन के जिसको झूम झूम जाए हर जवानी न जीते जी टूटे ये जीवन का साथ हो तुम मेरे साथ हो छुप छुप मोहब्बत की बात हो तुम मेरे साथ हो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कमला कुमारी हैं अजी बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर क्या स्पीच दिया आपने आई मीन क्या तकरीर किया आपका जवाब नहीं सुनिए वो मेरा एक ख्याल था आपके बारे में वो बिल्कुल दुरुस्त निकला हाँ 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 जितनी सुंदर आपकी तकरीर थी उससे भी ज्यादा सुंदर आप जी हाँ मेरा मतलब है वो कौन बेवकूफ होगा जो आपके हुस्न की दौलत को देखकर दहेज मांगेगा आप कार्य नहीं सीख सकते नहीं ये तो नहीं सीखते लेकिन बात ही तो कही मैंने आपसे अगर आप नाराज कुछ एक्सक्यूज मी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कमला देवी हैं हाँ। आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके बड़े अच्छे ख्याल है आपके और बहुत सुंदर तकरीर की आपने जरा जी जी हाँ कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं है जी जी हाँ मैं अंदर आ सकती हूँ आइए आइए कमला देवी नमस्ते कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ देखिए गुप्ता जी आपने अभी तक इंजीनियर नहीं भेजा ओह आई एम सॉरी काम बहुत ज्यादा हो गया था मैं आज ही भेज दूंगा जरूर भेजिएगा हम चाहते हैं हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग बरसात से पहले बन जाए जी जरूर बन जाएगी आप फिक्र क्यों करते हैं मैं आज ही उन्हें प्लान लेके भेज दूंगा आप यहाँ कैसे ये आपसे मतलब इडियट जी मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था आपका दिमाग वाकई खराब है गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आपने मुझे याद किया हाँ बैठो अभी क्या कर रहे हो जी वो मुरारी सेठ का आदमी आया हुआ है उनके कुछ प्लान्स वगैरह देखने वाला था
अच्छा अच्छा, हाँ तो ऐसा करो कि यूनियन हाई स्कूल चले जाओ, उनका काम बहुत जरूरी है, वहाँ जाके नई बिल्डिंग की जगह भी देख लोगे और हाँ ये डिजाइन साथ लेते जाओ। जी बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ। ठीक। एक साहब आपसे मिलने के लिए आए। बहुत अच्छा। अरे आप यहाँ भी? जी हाँ। क्यों आए आप? जी वो निकल जाओ इस वक्त यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए पहले। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चले जाओ वरना धक्के देकर निकलवा देंगे। बदमाश अजी, आप किसे बदमाश कह रही हैं? तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा पीछा करते हुए? मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? वाह बहुत हंसी हैं आप, कहीं की पड़ी है क्या? क्या समझती है आप अपने को? बाबू बाबू, इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल दो। अभी तो मैम साहब, खबरदार जो आगे बढ़ा तो एक बाबू के चार बाबू कर दूंगा। मैम साहब, पुलिस को फोन करने से पहले पता कीजिए गुंडा मैं हूँ या आप। क्या मतलब? मतलब ये जी नहीं, गुंडा बदमाश, बुलाइए आपने नौकर को, धक्के देके बाहर करवा दीजिए, पुलिस को टेलीफोन कीजिए ताकि मुझे गिरफ्तार कर ले। माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा था। जी नहीं, गलत तो मैंने समझा, मैं समझा था रोशन ख्याल है, एडवांस है, इसलिए आपसे बात करने की हिम्मत थी। मैं आपके ख्यालों की दाद देना चाहता था, मशवरा देना चाहता था कि अकेली लड़कियां दहेज की दीवार को नहीं तोड़ सकती, मर्द औरत मिलकर इस रिवाज को खत्म कर सकते हैं। फरमाइए। वो नई बिल्डिंग की जगह नहीं देखेगा? माफ कीजिएगा, मैं स्कूल में काम नहीं कर सकता, कोई और इंजीनियर आ जाएगा। भैया, वो भैया, तुम क्या कहते हैं? अच्छा एक काम से। भैया, हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, सब पिकनिक को जा रहे हैं, जरा मास्टरान जी से कह दो मुझे भी ले जा। मेरे कहने की क्या जरूरत है? ओहो, जरूरत है तभी तो कह रही हूँ, बिना घर वालों कहे नहीं ले जाते, और 500 रुपए भी देने पड़ेंगे। चलो। नहीं बेबी, मैं नहीं जाऊँगा। चलो ना। इसे भी पिकनिक पर ले जाइए। बस 5 रुपए भी तो दो। हाँ हाँ देता हूँ बाबा। ये आपकी तो चेची? जी नहीं, बहन है मेरी। इनकी तो शादी तक नहीं हुई, कोई लड़की नहीं मिलती। अरे बाप रे, तुम्हारे भैया इतने बड़े हो गए, अबे तूने शादी नहीं की? अरे बाप रे, तेरी दीदी इतनी बड़ी हो गई, उनकी शादी क्यों नहीं हुई? रतन, जा अपने क्लास में। जाता हूँ। तुम भी जाओ बेबी। चल बेबी। जी वो पिकनिक के लिए पार्टी और नई बिल्डिंग की जगह भी दिखा दीजिए।
ठीक है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे डब्बे में क्या है बे? मेरे में ये हलवा और ये पूरी, जरा खा के देख। तेरे इसमें क्या है? मेरे में आलू की भाजी और परोठा। खा के देख, खा के देख। तेरा खाना तो बहुत अच्छा है, किसने बनाया है? मेरे नौकर ने। मक्खन, ओ मक्खन। ये आया छोटे बाबू। क्या बात है? ये है हमारा मक्खन, बहुत अच्छा खाना पकाता है। अरे क्या? अच्छा? ओ मिस्त्री, ओ मिस्त्री। क्यों बुलाया बेबी? ये है हमारी मिस्त्री, बड़ी सारा खाना बनाना है। अच्छा अच्छा, लग जाओ, चलो, लग जाओ। बेबी जल्दी खाना खा ले, फिर हम लोग झूले पे जाएंगे खेलने। अच्छा तो तुम्हारा नाम मिस्त्री है? मिस्त्री है हाँ। मेरा नाम है, देखो मेरा नाम है मक्खन। चिकना नाम है? क्या था? चिकना। आ, चिकना चिकना मक्खन जो ठहरा, जरा सी आंच लग गई तो पिघल जाता है। पैसे भी फीका फीका होता है, कोई सा बात नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर जब मिस्त्री मिल जाती है मक्खन में तो क्या होता है मालूम है? बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। मेरी बात और क्यों नहीं पटेगी? मक्खन और मिस्त्री का तो जोड़ा है। बोलो मेरा बाप तो इससे भी जाना जाता था। समोसा, बेफर, दही बड़ा और क्या? वेजिटेबल सैंडविच, चिकन सैंडविच, मटन सैंडविच, कटलेट, टमाटो आमलेट, भुर्जी। और क्या क्या है भाई खाने को? रोगन जोश, कलेजी, कीमा, ब्रेन फ्राई, शामी कबाब, चाप फ्राई, पंजाबी कुकर, लाहौरी छोले, सरसों का साग। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या लाऊं साहब? क्या लाऊं? एक ग्लास पानी। पानी? ऐसा क्या लाऊं? एक ग्लास पानी। अच्छा और क्या लाऊं? कुछ नहीं। हाँ एक कप चाय लाऊं। एक कप चाय? हाँ। और मैम साहब के लिए? मैम साहब कौन? मैम साहब? अरे मेम साहब के बारे में मुझसे क्या पूछते हो? मेरा इनसे क्या मतलब है? क्या हो गया तुमको? अरे वो मेरे बाबूजी पीछे बैठे हैं ना। अरे साथ साथ आना भी कोई जुर्म है क्या? तुमसे खाना बना के लाए हो, एक कप चाय ला। चलो उतर मत देखो। बाबू जी चलो, मैं भी आया। बाबूजी देखिए ना बाबूजी, खामखा गले पड़ने वाली बात है। बाबूजी आप यहाँ कैसे? हरचंद जी को मिलने गया था, बड़ा जरूरी काम था लेकिन वो मिला नहीं। हरचंद को? बाबूजी वो वकील? अरे वो तो मुझे अभी अभी रास्ते में मिले थे, वो तो आप ही से मिलने गए घर पे। अच्छा हाँ। तो फिर मैं जाता हूँ। बाबूजी चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं बेटा, वो घर आके कहीं चला मैं। अच्छा बाबूजी, बाबूजी वो आप मुझे 10 रुपये देंगे? ये पता
अरे मुश्किलों से टूटता है। लीजिए साहब आपका एक कप चाय। अरे अरे भाई सुनो, ये चावल ले जाओ और पहले दो प्लेट समोसे लो। समोसे खाओगी ना? दो प्लेट समोसे? हाँ। लेकिन साहब आप तो अकेले आए थे ना? अरे वक्त वक्त की बात है, समझा करो। तुम जाके समोसा लाओ, जाओ। हाँ अरे रजी, मैं तुमसे कह रहा था वो तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों? पसीना? वो गर्मी ज्यादा है ना यहाँ पर, इसीलिए मैं अभी आता हूँ। फ्रेश हो, ये करना। तुम यहाँ कैसे? मैं तो लाइब्रेरी से आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बता क्या खाएगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैंने ऑर्डर दे दिया है। अरे सुनो, रख दो ना। हाँ हाँ रख दो। अरे बेटी, ये तो पहले ही दो प्लेट ले आया। हाँ हाँ, देखा यहाँ के बॉस इतनी समझदार है, आपको देखते ही दो प्लेट ले आया। लीजिए ना पिताजी, खाइए। तुम भी लो बेटी। हाँ मैं लेती हूँ। जी उठिए साहब यहाँ से। जी जी क्या है जी? देखा मेरी यहाँ पहले मैं क्या है क्या? मेरे पिताजी से ऐसी बातें करते हैं? मुझे से कुछ गलती हो गई। साहब साहबजादे, और भी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, बैठ जाओ जाके। जी जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं खुद ही यहाँ से चला आता हूँ, आप आराम से बैठिए। अच्छा पिताजी, आई मीन मास्टर जी, नमस्ते। नमस्ते देवी जी, नमस्ते। गरीब आदमी क्यों बेटी? एक गिलास पानी। समझ गया बाबूजी, वक्त वक्त की बात है। काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर आपके स्कूल में काफी गड़बड़ है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ जो पीरियड होते हैं ना, ये कितने घंटे के होते हैं? आधा घंटे। ये जो आपकी चपरासी है ना, ये पूरे 1000 मिनट के बाद बेल बजाते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप हमें नौकरी दे दीजिए स्कूल में, ताकि मैं जल्दी जल्दी बेल बजा दूं। जल्दी जल्दी क्यों? ये जल्दी में इससे छुट्टी हो जाए और आपसे जल्दी में। अच्छा ये बताइए, आज आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा है क्या? आपके साथ फिल्म देखने चले? तुम्हारा काम हो गया? हाँ बेटी। तो फिर कहाँ जा रहे हो? मेरा जरूरी काम है ना, इसलिए बाजार जा रहा हूँ। मैं रोज ही काम रहता है, आज मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरे बड़ा से गुड़िया दिलवा दो ना। जी, आज फिर कभी नहीं। टीचर ने कहा आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए ना टीचर? हाँ बेटी, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनसे कह दो ना मुझे गुड़िया दिलवा दे। टीचर तुझे गुड़िया दिलवाएंगे, चल तुम। लेकिन वो प्रोग्राम? वो प्रोग्राम फिर कभी हो सकता है। लेकिन ठहरिए, तो मैं भी आता हूँ। ठहरिए समझा, आपकी ननद है।
ये होने वाली बात है। समझा समझा रमजानी, मुन्नी को खिलौने दिखाओ। चलो बेटा, अब आप लोगों की पसंद की चीजें मैं दिखाता हूँ। जी हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए कैसे नहीं, प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट एक दूसरे के लिए। आइए। जी तो ये सिगरेट केस मिलाजा फरमाइए। जो भी लड़की हमारी दुकान पर आती है, लड़की के लिए यही प्रेजेंट पसंद करती है। बड़ी डिमांड है इसकी, एक ही नग बचा है। ये माल सीधा अमेरिका से हमारी दुकान पर आता है। शायद आप भी सीधे अमेरिका से आए हैं। जी नहीं, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हाँ तो क्या कह रहा था। हाँ, ये वो तोहफा है जो हमेशा लड़के के पास रहता है। पहले मैं करता हूँ। क्या सोचती हो तुम? अगर तुम्हारे पिताजी मेरे साथ तुम्हारी शादी न की तो? बात करती हो। अरे जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तुम राजी हो ना? मैं भी राजी हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हारा हाथ पकड़ कर अपने घर ले जा सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा डर लगता है। किससे डर लगता है? किसी आदमी से थोड़ी डर लगता है। अरे घर में तो सब मुझसे डरते हैं। क्यों? ये पता कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। काम पर हैं। और वो जो मेरी दीदी है ना दीदी, वो भी भीगी दिल्ली की तरह से छुपी छुपी रहती है। बाय गॉड, सारे घर में मेरा राज चलता है। नाम जो राजा है। तो फिर शादी के लिए क्यों नहीं कहते? बात ये है रजनी, मैं सोचता हूँ अपनी शादी के लिए मैं खुद क्यों कहूँ। इट लुक्स वेरी बैड है ना, उनको अपने आप मालूम हो जाएगा। मैं आकर कह दूँ? व्हाट? तुम? अरे तुम्हारी क्या मजाल है जो हमारे घर में आओ? देखो सचमुच आ जाऊंगी। हाँ मालूम है, आप में आओगे। हंस रही हो? बहुत खूबसूरत। नीचे आओ। हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज, हेल्प। Pama gama, pama pada, pama pani, ni 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 Rajni. Sangita pama jari Raja, Raja. Sunil liya hai dil, ab kya hoga? Kaise mushkil, ab kya hoga? अरे क्या होगा, हम दुआ देगा, दिल देने वाले का तेरा भला होगा। तुमने लिया है दिल, अब क्या होगा, कैसी मुश्किल, अब क्या होगा। अरे क्या होगा, हम दुआ देगा, दिल देने वाले का तेरा भला होगा। सफल मिलके चलेंगे दो राही। आगे तुम पीछे हम, चोर के पीछे जो सिपाही। ये डगर ये सफल मिलके चलेंगे दो राही। आगे तुम पीछे हम, चोर के पीछे जो सिपाही। झगड़ा न ठानो, मुझको पहचानो, दिल चला है जाने कितना जला होगा। तुमने दिल लिया है दिल, अब क्या होगा, कैसी मुश्किल, अब क्या होगा। अरे क्या होगा, हम दुआ देगा, दिल देने वाले का तेरा भला होगा। Thank you.
मुझको भी है वही रोग जो तुमको लगा है। हाय घड़ी चेतनी देखो तो मुझे क्या हुआ है, मुझको भी है वही रोग जो तुमको लगा है। बन तो रहे हो अच्छे भले हो, लग जाएगी नजर तो बुरा होगा। तूने ले लिया है दिल अब क्या होगा, ये कैसी मुश्किल अब क्या होगा। अब क्या होगा हम दुआ देगा, दिल चलने वाले का तेरा भला होगा। ये जिंदगी तुम्हारी सुनो हुक्म हो, बातें करती हो बड़ी प्यारी सुंदरी बोलो दी। अब है ये जिंदगी तुम्हारी सुनो हुक्म हो, बातें करती हो बड़ी प्यारी। कर दो इशारा बंदा तुम्हारा देखे तारे आत्मा से आ रहा मिल लिया है दिल अब क्या होगा, ये कैसी मुश्किल अब क्या होगा। अरे क्या होगा हम दुआ देगा, दिल देने वाले क्या तेरा भला होगा। हाँ विराज जी, तुम आगे बैठो। हाँ, तुमसे कुछ बातें करना है। हाँ बस बड़े बड़े मेरी एक बात मानोगे बेटे? हाँ विराज जी, तुम अपनी शादी कर लो तो मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। विराज जी आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं? हाँ रजनी की शादी होनी चाहिए, उसकी ऐसी लंबी हो गई घर में घूमती फिरती है। देखिए करता हूँ कोई लड़का तलाश। लड़का तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ पगले, मगर हर जगह दहेज का सवाल आता है। ओहो, तो क्या हुआ पिताजी, लड़का कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ लड़का तो मिल ही जाएगा। क्या है मिस्त्री जी? बाबूजी मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। क्या है मक्कर? कुछ नहीं मालकिन, मुझे 2 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए। छुट्टी? और सिर्फ 2 घंटे के लिए, बस गया और आया। अच्छा जा, जल्दी आ जाना। जी। और साथ में मक्खन लेता आना। जी हाँ। मक्खन? जी बाबूजी। तो खुद चला आता, मक्खन को नहीं लाता? बाबूजी मक्खन तो खत्म हो गया, लेने जा रहा हूँ। जा जल्दी ले आ। जी बाबूजी। और सुन, अंदर से छोटे बाबा को भेज दे। जी बाबूजी। छोटे बाबा, छोटे बाबा, छोटे बाबा, मक्खन मर गया। मक्खन, अरे तू ये सब दवाइयाँ ले आया? हाँ। मिस्त्री ने लाया? दीदी जी मैं तो मिस्त्री के लिए जा रहा हूँ ना। अरे तो जा ना, जल्दी जा। कोई नहीं, मैं हूँ तेरा मक्खन। अरे कब आई तू? आधे घंटे से यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं। क्यों बुलाया था मुझे? हाँ बुलाया था इसलिए कि कल से स्कूल की छुट्टी है ना, तो फिर हम लोग कहाँ मिलेंगे? मैं क्या जानू, अब तेरे से कुछ खाली बात करनी है। तो बैठ जाइए आराम से। यहाँ नहीं, वो जो सामने ठंडी जगह दिखती है ना उधर जाके आराम से बैठेंगे, प्यार से बात करेंगे, ठीक है ना? चल 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 जल्दी। अपन तो खुली जगह में बैठ के बात करेंगे सबके सामने। हाँ ये चोरी चोरी का मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये तो सब बेकार बिगड़े लोगों के धंधे हैं। क्या समझी नहीं? यानी कि बेकार लोगों के धंधे हैं, मजदूर बन के गलियों में चक्कर काटना, सीटी बजा के बुलाना, स्कूल के बहाने सिनेमा जाना,
अरे भाई अपन तो बुजुर्ग आदमी, अपने को इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं तेरे लिए तड़प रहा हूँ, तू मेरे लिए तड़प रहा है? अरे भंगा पाइए के चला, इधर प्यार उधर शादी, चलो मेरे साथ शादी करोगी? बोलो बोलो बोलो। पसंद हूँ ना मैं? बस समझ गया समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया, पसंद हूँ मैं। शादी कब करेगी? मैं क्या जानू, मेरे बापू से पूछो। ठीक है ठीक है, तो पहले मैं घर तलाश करता हूँ, फिर तेरे बापू को मेरे बापू को मिला देता हूँ, दोनों बूटे आपस में निपट लेंगे। कुछ समझ गया ना? बस यही कहने के लिए बुलाया था। तो फिर जाओगे? और क्या, इतनी जल्दी क्या है? अब तक का संगू तुला, तेरे को बर्तन घिसना है, मुझे कपड़े घिसना है, चलो उठ जल्दी चल, हंसती क्यों? हाँ ठीक है ना, चल। पानी पानी हुई जाऊं, छोड़ो छोड़ो मत भैया, सावरे छोड़ो।
छाए मोरा दिया घबराए, ऐसे में कई आ जाए, ऐसे में कहीं कोई आ गया? कहां से आ रही है? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं है, है। बता जल्दी। मालूम है। बता। राजा बाबू के कमरे में क्या? आठ लड़कियां बैठी है। आठ लड़कियां? मेरा कुछ नहीं भाई। देखो अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखे यह है अपना महल।
बहुत अच्छा। तो बीच में एक झूला डालेंगे, झूला ऐसा चलेंगे झूला। देख मक्खन, यहाँ अपन सामान लगाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ मैं चूल्हा जलाऊंगी। चूल्हा कपड़ों के लिए, वहाँ मैं तुम्हारे कबाड़ रखूंगी और यहाँ मेरी यहाँ क्यों दो कबाड़ क्यों नहीं? एक कबाड़ का खर्चा कम करना है ना, एक कबाड़ काफी है। दूसरे बात करो, अभी अपनी शादी कहाँ हुई है? कायदे की बात, सुसरा मक्खन होता ही चिकना है। अभी काम करना, तेरे बाप को चिट्ठी लिखे जल्दी से भेज। सच, मेरे बाप को चिट्ठी पाकर बहुत खुश होंगे, उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र थी। मुझे भी अपनी फिक्र है। तो बुरखा उतार दीजिए। क्यों? इसलिए कि यहाँ सब औरतें ही औरतें हैं, मर्द कोई नहीं है। नहीं बेटी, यहाँ मर्द भी है। मर्द कहाँ है मर्द? अरे भाई, अगर मर्द नहीं तो क्या हुआ, उनकी फोटो तो है, वो देखो ना मर्द हुआ, मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। हंस रही है तो। अरे भाई बड़ी गर्मी है, ये शौकत शुरू होगा। आइए बाहर, तो बहुत हल्ला हो रहा है, सिंधु अभी तक नहीं है। अब क्या होगा, तबला कौन बजाएगा? ये तो बहुत गड़बड़ होगी। अरे बाबा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, कुछ करो तो सही। अच्छा तुम लोग यहाँ करो, मैं बाहर जाके लोगों से बात करती हूँ। बहनों जरा खामोश रहिए, हमें बड़ा अफसोस है कि आज हमारी तबला बजाने वाली बहन अभी तक नहीं आई, इसलिए हमारा नाच गाने का आइटम शायद न हो, बाकी प्रोग्राम अभी शुरू होता है। ये कैसे हो सकता है? अरे बहनों, मैं तो दिन दहाड़ा लुट गई, इन्होंने मुझसे पूरे 10 रुपए लिए हैं। हम तो नाच गाना आज ही देखेंगे, आप ही देखेंगे इसी वक्त, क्यों बोलते हो? तो फिर आप में से कोई बहन अगर तबला बजाना जानती है तो प्लीज आके हमारी मदद कीजिए। मैं आती हूँ। तबला तुम्हारे साथ बराबर बजाऊंगा। हाँ हाँ, सितार उठाओ ना, अभी शो नहीं शुरू करना है क्या? अरे लड़की हो, तुम क्या देख रही हो, यहाँ आओ काम शुरू करो। है वही का
मैं क्या हूँ? ये तो सब अल्लाह की देन है। लेकिन जैसी तुम क्यों रुक गई? आगे क्या हुआ? ये वो मैं मर गया। अरे मैं मर गया तो क्या हुआ? तुम लोग आपको बजा रहा हूँ।
की बड़ी फिक्र रहती, कुछ समझ में ही नहीं आता, कोई लड़का ही नहीं मिलता। अजी फिक्र की क्या बात है, लड़का मैं बताता हूँ। हाँ, फकीरचंद का लड़का बड़ा होनहार है। कौन फकीरचंद? अरे भाई, ये पटेल नगर में रहते हैं ना। ये पटेल नगर? हाँ, ये पटेल नगर, सारा मोहल्ला उन्हें जानता है। हाँ। बहुत बड़े आदमी है और खानदानी भी है। भगवान कसम, धनीराम जी लड़की वहाँ चली गई तो राज करेगी, राज। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी चिंता ही आधी कर दी। लवेट चला, मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। तो जरूर मिलो। स्कूल नहीं गई? छुट्टी है। चौबे जी, ये लो चाय। अरे है? बाबूजी, क्या है? एक साहब आपसे मिलने आए हैं। कहाँ है वो? वो बाहर बैठे। अच्छा चौबे जी, वो यही बुलवा लेना, बाजी बड़ी जोरदार जमी है। ठीक है, मक्खन लाला। ये घोड़ा तो गयो स्वर्गवास है, और राजा की मनाओ खैर। अब बोलो, कोई ना लाख रुपए की चाल? जरा ठहरिए, जरा ठहरिए, वो चाल चलूंगा कि यहाँ का रास्ता भूल जाओ। चलिए, चलता। अरे हाथी हरकत में आ गया फकीरचंद जी, ऊंट की खैर मनाइए बाप। नमस्ते। नमस्ते राजी। आप ही लाला फकीरचंद हैं? जी हाँ, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी ये घर के ही है, घर के ही है। बात दरअसल ये है कि मैं अपनी लड़की के लिए आपका लड़का मांगने आया हूँ। अच्छा, शौक से? शौक से, लड़का बीएससी है, रंग बिल्कुल मेरी तरह गोरा, नाक नक्शा माँ पर गया। वो तो होता ही, खूबसूरत है कुछ मुझ जैसा, और तंदुरुस्त है माँ की तरह, कदमे मुझसे जरा ऊंचा है, क्यों चौबे जी? सत्य वचन लाला जी, सत्य वचन। वो देखिए, उसकी फोटो वहाँ टंगी हुई है। लड़का बहुत अच्छा है, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। तो लड़का आपको पसंद है? हाँ जी हाँ, आप भी जब लड़की को देखना चाहें देख सकते हैं। अजी लड़की को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वो क्या कहते हैं चौबे जी, वो लेना देना, वो रस्म रिवाज। अरे वो क्या कह रहे हो लाला जी, आप कहो ना दहेज। नहीं चौबे जी, दहेज के तो मैं खिलाफ हूँ, लेकिन कर्जा लेकर पढ़ाया है बच्चे को, वो तो लौटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, हजारों रुपए खर्च हुए हैं बच्चे के पढ़ाई में, क्यों चौबे जी? वो तो है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 20,000 रुपए।
लो बचो चौबे जी। अरे लोग रहते हैं झोपड़ों में और ख्वाब देखते हैं महलों के। माफ कीजिए, मेरा मतलब आपसे नहीं। कल एक साहब आए थे, 30,000 का नाम सुनकर उनकी जबान बंद हो गई। न जाने लोग बगैर सोचे समझे यहाँ क्यों चले आते हैं। है? क्यों चौबे जी, अभी तक सोच रहे हो? सोच रही थी। भलाई इसी में है कि तुम दबा कर भाग जाओ। बता पड़ी। अच्छा जी, तो मैं चलूं? चलेंगे आप जी। नमस्ते। नमस्ते जी। रास्ता इधर से भी। चौबे जी, जब लोगों के पास दहेज देने के लिए रुपया नहीं होता तो लड़कियों के शादी के बारे में सोचते ही क्यों है? जमाना दिल पे दिल का साथ है ये तो
में राजी राजी हम जी राजी राजी घर पर मिलने वाले अब घर में बैठे काजी कह दो जी कह दो है मियां बीबी राजी कुमारी रजनी मुझे कभी कभी लाइब्रेरी में मिलती थी आप कहाँ जा रही हैं शॉपिंग के लिए जाइए मैं आता हूँ मैं नहीं आता लेकिन दीदी आप कौन है अरे उनको पता नहीं ये है मिस्टर कुमार इंजीनियर हमारी स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं अच्छा 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 और कमला देवी ये है मेरी बहन रजनी इधर आ बेटे रजनी आपकी बहन मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कुमार साहब बहुत शैतान है राजा हर जगह पसंद तो फिर लेते हम लोग जाए शॉपिंग के लिए अच्छा जाओ जाओ अच्छा कुमार साहब नमस्ते चलो बाबूजी मैं आपको खुशखबरी सुनाने आ रहा हूँ तू क्या खुशखबरी सुनाएगा पहले पैर दबा बाबूजी आप मेरी खुशखबरी तो सुन लीजिए बाबूजी आप पैर दबाना भूल जाएंगे बाबूजी बस शादी की तैयारी शादी कैसी शादी किसकी शादी मुझे पूछने लगा शादी लक्ष्मी बाबूजी वो लक्ष्मी बाबूजी कमला की माँ रतन की माँ अरे जल्दी यहाँ जल्दी यहाँ बात तो सुनो बाबूजी कमला को पूछे मुझे बता देना मैं कल ही लड़के के बाप के पास जाऊंगा हाँ, हाँ, अच्छा हाँ। मैं अभी जाके हलवा बनाती हूँ अम्मा गाजर का हलवा बाबूजी वो मेरे 20 रुपए तो क्या होगा मैं तो अगले महीने की बात कर रहा था बाबूजी इतनी जल्दी मुझे नहीं चाहिए थैंक यू भगवान वेरी वेल थैंक यू अरे बढ़िया खुशी की बात सुनाओ बात फिर सुनाना अब तक खेलने दो हमें बातें भी खेलते रहेंगे बातें भी सुनते रहेंगे सुना बेटी क्या बात यह है पिताजी हाँ। अब भैया की शादी कर दीजिए हाँ पिताजी पहले भैया की शादी कर दो फिर पत्ते खेलेंगे बेटी तो क्या कुमार शादी करने को राजी होंगे उन्होंने तो लड़की भी पसंद कर ली है पिताजी बड़ी अच्छी लड़की अच्छा बड़े बाप की बेटी है पिताजी पटेल नगर में रहते हैं नाम फकीरचंद है फकीरचंद फकीरचंद हाँ पिताजी वो फकीर चंद उठना बेटी देखो दरवाजे पर कौन जी मैं धनिया नमस्ते नमस्ते फरमाइए मैं अंदर आ सकता हूँ आइए 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 बैठ माफ कीजिएगा मैंने पहले कहीं आपको देखा है जा जा आपने मुझे मेरे ही घर में देखा है एक दिन आप अपनी लड़की के लिए मेरा लड़का मांगने आए थे आज मैं अपनी लड़की के लिए आपका लड़का मांगने आया वाह वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है बैठी बैठी मैं बिल्कुल तैयार हूँ इधर लड़का बाहर गया है ये उसका फोटो देख लीजिए ये लड़का तो बहुत अच्छा है मुझे पसंद है आप लड़की को जब देखना चाहे देख सकते अच्छी लड़की को बाद में देख लेंगे पहले मेरा मतलब वो क्या होता है लेन देन रस्म रिवाज मेरा मतलब दहेज से है वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूँ मगर कर्जा लेकर लड़के को पढ़ाया जी हाँ बच्चों की पढ़ाई में तो खर्चा होता ही है जी हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ काफी खर्चा हो गया है मगर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए सिर्फ 40,000 40,000 हाँ तो बेटी तुमने क्या चाल चली नहला ये लो नहले पे दहला
लोग रहते झोपड़ियों में ख्वाब महलों के देखते। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब आपसे नहीं है। कल एक साहब इसी गरज से आए थे और 40,000 की बात सुनकर जुबान बंद हो गई। समझ में नहीं आता कि लोग बगैर सोचे समझे चले क्यों आते। मिस्टर धनीराम, मैं सब समझ रहा हूँ। आपने 40,000 कभी सपने में भी देखे हैं? सपने में नहीं, दिन के उजाले में तुम जैसे 20,000 वाले फकीरचंद मैंने बहुत देखे हैं। और मैं तुम जैसे 40,000 वाले धनी रामों को जगह घोड़ों की तरह खरीद के खूटे दबा सकता हूँ। हाँ। अबे तू क्या खरीदेगा मुझे? तेरे जैसे सैकड़ों फकीर मेरे दरवाजे पर भीख मांगते। धनी राम मुंह बंद कर। मिस्त्री, ओ मिस्त्री, टके मार के निकाल दे इस बुड्ढे। सुन लिया, देख लूंगा मैं भी। हाँ देख लेगा, आया बड़ा अमीर बन के लड़की की शादी करेंगे। मिस्त्री, ओ मिस्त्री। कमला, अरे वो हुआ जो कभी हमारे खानदान में नहीं हुआ। हमेशा मैंने दूसरों को जूते मारे। आज तेरी लाडली की वजह से मैंने जूते खाए। दिन दिन के मारे उस धनी राम के बच्चे ने। वो क्या करता जा, अपना काम कर ले। उसके लड़के से शादी, दे 40,000 रुपए दहेज। 40,000 रुपए दहेज मांगा उन्होंने? मैं तो 50,000 देने के लिए तैयार था, लेकिन बेइज्जत होकर नहीं। उस नीच ने फकीर काम नौकरानी को बुलवाया मुझे धक्के देकर निकलवाने के लिए। नाम धनी राम और पास कौड़ी नहीं, कुछ फकीर है दूसरों को फकीर कहता है। ओहो, सिर्फ 40,000 दहेज ही मांगा है ना? हाँ हाँ 40,000। ओहो, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम 50,000 मांग लेना। क्या कहा? धनी राम की लड़की राजा से शादी करना चाहती है। मेरे बेटे से शादी करना चाहती है? छोटे बाबू से प्रेम करती है, राजा से प्रेम करती है? अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन बेटे, मैंने उससे दहेज नहीं मांगा, बल्कि उससे ये सबक सिखाया है कि अगर तुम 20,000 मांग सकते हो तो दूसरा तुमसे 40,000 मांग सकता है। अगर मेरे बेटी है तो तुम्हारे भी बेटी। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि रजनी उसके लड़के से शादी करना चाहती। खैर, मैं अपनी भूल सुधार लूंगा, मैं फकीरचंद से माफी मांग लूंगा। राम जी, कैसे कैसी तकलीफ थी जी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी गलती की माफी मांगने आया। अजय कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलती तो मुझसे हुई। आइए आइए राजी। अजी, लड़की वाले को लड़के के बाप से हमेशा झुक कर ही मिलना चाहिए। मैं खामखा आपके घर में नाराज हो गया। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे दहेज की बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? लड़के वाले दहेज मांगते हैं और लड़की वाले देते हैं। राम जी, मैं 40,000 देने के लिए तैयार हूँ। लड़की, मगर अब तो दहेज की बात ही खत्म हो गई। मेरी लड़की आपके यहाँ और आपकी लड़की मेरे यहाँ। नहीं नहीं धनीराम जी, ऐसा नहीं होगा। मैं लड़की भी दूंगा और दहेज भी दूंगा। देखिए, अब ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि दोनों रिश्ते पक्के हो। बस समझिए, पक्के हो गए। धनीराम जी, अब आप यहाँ से जाएंगे तो मुंह मीठा करके ही जाएंगे। बस एक मिनट के लिए तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हूँ। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र। ये क्या ले आया आप? बात पक्की करनी है ना, मंजूर कीजिए।
मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और मैं कल ही तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन सोचा ऐसे आदमी से क्या मिले जिसका बाप शादी को व्यापार समझता है, 40,000 रुपए दहेज मांगता है। तुम्हारा बाप व्यापारी है, उसने पहले दहेज मांगा। मेरे बाप ने तो दहेज का सवाल उठाया था तुम्हारे बाप को सबक सिखाने के लिए। ये कौन सा सबक हुआ कि उनका अपमान करके घर से निकाल दिया? इसके लिए वो शर्मिंदा थे, तुम्हारे बाप से माफी मांगने गए थे, लेकिन तुम्हारे शरीफ बाप ने जूता दिखाकर अपनी शराफत का पर्दा उठा दिया। कौन सा आदमी ऐसे नीच घराने से रिश्ता जोड़ना पसंद करेगा? कौन कहता है कि आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए? मैं तो आपका मुंह भी नहीं देखना चाहता। शायद आप सोचते होंगे मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसे आपके पैर पकड़ूंगी, अपने बाप का अपमान कर लूंगी। ये लीजिए अपना पटवा। चली कहाँ? आप भी धोखे में ना रहिए कि आपकी मोहब्बत के लिए अपने बाप की तौहीन गवारा कर लूंगा। देखिए अपना खूबसूरत सिगरेट के, अब आप जा सकते हैं। रामू भैया, सुसरी दुनिया पैसे पे जान दे रही है। अरे जिसने लड़की दी उसने क्या नहीं दिया? हा हा हा, कसम भगवान की चंदन भैया, लाख रुपए की बात कही है इस वक्त। अरे ये लड़के वाले शादी के वक्त इस बात को भूल ही जाते हैं कि लड़की का बाप अपनी बेटी को 15-20 साल तक दूसरों के घर की सेवा के लिए पालता पोसता रहता, फिर भी ये धन मांगते। लानत है ऐसे लोगों पर। लड़की से बढ़कर भी कोई धन है? हाँ बताइए। लड़की लक्ष्मी होती है, घर की देवी होती है। बेशक बेशक, ये लोग लड़की से शादी नहीं करते, धन से करते हैं। और फिर भैया, शादी तो दो दिलों का पवित्र बंधन होता है, दो घरों का मेल होता है। भला ये भी कैसा मेल, एक रोए दूसरा हंसे, एक उजड़े दूसरा बसे। चंदन भैया, मैं तो अपने को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि तुम जैसा समझी मुझे मिला। अरे अब सोच रहा हूँ कि अगले महीने मुहूर्त निकाल के मिस्री के हाथ सीधे कर दूँ। मेरी तरफ से आप देख कर रहो, जब तुम्हारा मौका हो चाह कर दे। अच्छा, मक्खन बेटा भूखा ताजा कर दे। क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे कुछ, बार बार मौका थोड़ा ही आता है। अच्छा अच्छा, जैसी मर्जी आपकी। देखो बेटी, सदा सच बोलो। दुखियों की सहायता करो। रजनी कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी पिताजी। कोई जरूरत नहीं, लिखो बेटी। माता पिता की आज्ञा मानो। सदा सच बोलो। शादी? हाँ कल शाम को शादी।
खुश रहो मक्खन, किस्मत वाले। हाँ बाबूजी को और दीदी को तो काम है, लेकिन आपको आना पड़ेगा। हाँ मैं आऊंगा, जरूर आना पड़ेगा। अरे बाबा जरूर आऊंगा। अच्छा बाबू आपको तो जरूर आना पड़ेगा। अरे मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा तो और किसकी शादी में जाऊंगा। बाबू जी क्या नारियल। अच्छा ये सुन मक्खन तुझे। बाबू जी ये क्या। बाबू जी आना। अरे आऊंगा बोला ना। अच्छा बाबू जल जाते रे बबुआ, पानी होता डूब ही जाते आग हो तेरे बबुआ। बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की ओ बबुआ, बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की। ललना काटे न कटिए घड़ियां इंतजार की, ललना काटे न कटिए घड़ियां इंतजार की। ओ राजा मोरे दुनिया की गमली ओढ़ सो जाते रे बबुआ, सर्दी होती काढ़ा पीते गमली ओढ़ सो जाते रे बबुआ। बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की ओ बबुआ, बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की। ना बाटे न कटिए घड़ियां इंतजार की,
मिस्त्री, बड़ों में लड़ाई, छोटों में लड़ाई और बच्चों में भी लड़ाई।
खैर छोड़ दो इन बातों को, ये बड़े लोग तो हमेशा पैसे से प्यार करते हैं। ये सारा लड़ाई झगड़ा तो दहेज का है। हाँ दहेज कहो धन कहो एक ही बात है, इनसे हम छोटे लोग बहुत अच्छे हैं। बस मेरा धन तू और तेरा धन मैं हूँ, ठीक है ना मिश्री? मिश्री जी आया बाबू। मिश्री हाय बेबी। क्या है छोटे बाबू? तुम इसी के पास क्यों बैठा है? ये तो मेरी बीवी है ना छोटे बाबू। नहीं 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 मेरी बीवी कुछ है, जाओ अकेले बैठो। अच्छा 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 बाबा अच्छा खाओ। क्या है बेबी? मिश्री तुम अकल बेबी को बात ना करना, जाओ अलग बैठ। अच्छा अरे अरे उधर का उधर का। अच्छा बाबा लड्डू बन के आए हैं, कितने अच्छे लड्डू हैं, नरम नरम पूरियां। मुझे पानी आ गया होगा, असली घी की है असली घी की। रहने दे रहने दे, खाती है तेल और कहती है असली घी की पूरी है। तुझे क्या मालूम घी क्या होता है? तेरे बाप ने भी कभी घी खाया है? देख मेरे बाप तक ना पहुंचा, मैं कह जाता हूँ हाँ पहुंचूंगी पहुंचूंगी पहुंचूंगी। कौन सा लाचा भी तेरा बाप? तेरा बाप क्या है? नाम है धरीराम, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तेरे घर में फूटी कौड़ी नहीं है, तेरे बाप ने मेरे बाप से रुपए मांगे थे। नाम फकीरचंद है और लोगों से भीख मांगता है। मुंह बंद कर, नहीं तो नहीं तो क्या क्या कर लेगा तू मेरा बताओ? क्या बेटे? आप अपना नाम बदल लीजिए। नाम बदल लूं? क्यों? वो धनीराम की बेटी है ना, हाँ। वो कहती है कि तेरा बाप फकीर है, इसके लिए उसका नाम फकीरचंद है। धनीराम की बच्ची मुझे फकीर कहती है? हाँ। राजा कमला लक्ष्मी क्या वो चोरी हो गई? क्या कोई पागल तो नहीं हो गई? अरे मैं पागल नहीं, वो धनीराम पागल हो गया। मेरी बदनामी करता फिरता है, मुझे फकीर कहता, कभी उसके बाप ने इतने रुपए देखे? बाबूजी ये खबरदार, अगर तुम मेरी औलाद हो तो उस कमीने की औलाद का मुख कभी मत देखना। धनीराम कंगाल भिखारी कहीं का, सुना तुमने? वो फकीरचंद अब मेरी बदनामी पर तुला, उसका एक गज का बच्चा भी मुझे गालियां देता है। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल है तो उसकी औलाद से कोई ताल्लुक मत रखना। और रजनी अगर तू फिर कभी राजा से मिली तो इजाजत, मैं अपनी जान दे दूंगा। बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की, लल्ला काटे न कटिए घड़िया इंतजार की। मैम साहब को तुम्हारे पास क्या क्या कपड़े हैं? मैम साहब हमारे पास जॉर्जेट है, टफेट है, क्रैप है, नायलॉन है। मुझे नहीं चाहिए।
मेन साहब हमारे पास घर का साड़ी है, डबल पन्ने का कापड़ है और मेन साहब हमारे पास कटिंग ब्लाउज पीस भी है। एक बार कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। देखिए मेन साहब, मैं बहुत मजबूर इंसान हूँ मेन साहब, मैं पहली बार कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ मेन साहब, आप एक बार मेरी तरफ देखिए, शायद आपको कोई चीज पसंद आएगी। देखिए मेन साहब। अरे भाई, ये सब चीजें मेन साहब को कैसे पसंद आएंगी? लो धनीराम जी, कैसा कपड़ा बेचने वाला बुद्ध हो। अरे भाई, कोई ढाके की मलमल दिखाओ, कश्मीरी शाल दुशाले दिखाओ, जोर के कपड़े दिखाओ, ये चीजें हमारे यहाँ शादी में चलती हैं। तो धनीराम जी। हाँ जी, हाँ जी। साहब की शादी होने वाली? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो बहुत खुश नसीब होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। मेरे साहब, रजनी, ओ रजनी, रजनी। शायद शर्मा आ गई। तुम भी अजीब आदमी हो यार, कपड़े बेचते हो या उलझुल बातें करते हो, हमारी लड़की को ही नाराज कर दिया। साहब साहब, हम मेम साहब का दिल खुश कर देगा साहब। कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कपड़े उठाइए और तशरीफ ले जाइए। साहब साहब, आप हमारे एक बात तो सुनिए साहब। कुछ नहीं सुनना चाहते, जाइए साहब प्लीज। क्या प्लीज? मैं हूँ भोला व्यापारी, मैं हूँ भोला व्यापारी, लाया हूँ ये चीजें प्यारी प्यारी, हर माल मिलेगा सस्ते में, भाई लूट मची है रस्ते में। मैं हूँ भोला व्यापारी, लाया हूँ ये चीजें प्यारी प्यारी, हर माल मिलेगा सस्ते में, भाई लूट मची है रस्ते में। मैं हूँ भोला व्यापारी। बनारसी बिसाती तो लेते जाना बाबू ये माल खैराती, ओ नाम शुभ राती, बनारसी बिसाती तो लेते जाना बाबू ये माल खैराती। मुन्ने की चड्डी पापा की गंजी, मुन्ने की चड्डी पापा की गंजी, नाना की अचकन न्यारी न्यारी, हर माल मिलेगा सस्ते में, भाई लूट मची है रस्ते में। मैं हूँ भोला व्यापारी। परी बन जाए वो बिजली गिराए, जो पहने मेरा जोड़ा पिया के मन भाए। परी बन जाए वो बिजली गिराए, जो पहने मेरा जोड़ा पिया के मन भाए। एक दफा तो जांच के देखो, एक दफा तो जांच के देखो, कहेंगे बालम बाहरी बाहरी, हर माल मिलेगा सस्ते में, भाई लूट मची है रस्ते में। ये कुर्ता धोती साड़ी जाली झालर गुलकारी, ले लो हर माल मिलेगा सस्ते में, दुकान खड़ी है रस्ते में। मैं हूँ भोला व्यापारी। बेटी रजनी, तू है बड़ी शैतान। पहले तो कह रही थी कि मुझे खरीदनी नहीं है साड़ी, अब कैसे पसंद कर रही है? अच्छा पसंद कर ले, मैं जरा तिवारी जी को पहुंचाने जा रहा हूँ। आई तिवारी जी, आई आई आई। चलो बेटा बकू, चल। रजनी, सुना तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें शादी मुबारक हो रजनी। नहीं राजा, किसी और से शादी करने से पहले मैं अपनी जान देती हूँ। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। तो फिर तुम इतने दिनों से लाइब्रेरी क्यों नहीं आई? आज के कैसे, पिताजी ने घर कैद कर रखा है, कहा है अगर तुम राजा से मिलोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरे बाबू जी ने भी यही धमकी दी, उन्होंने तो सिर्फ धमकी दी, लेकिन मैं सच कर दिखाऊंगा रजनी, मैं डूब मरूंगा। नहीं राजा, रजनी मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। राजा मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। राजा रजनी, ठीक है। ओह राजा, चल कौन है?
मेरी बात सुनो। और क्या सुन लूं तेरी? मैं क्या बात सुन लूं? मैं क्या बात सुन लूं? बोल जा। क्या बात सुन लूं? मैं क्या दी? मैं क्या समझ दूंगा? खबरदार जो कभी इस मोहल्ले में आया वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। जफंगे चले आते कहीं से न आते। बड़ा चलिया किशन मोहन है
पिताजी रजनी, मैं राजा से शादी करना चाहती लेकिन आपने मेरे सुख का ख्याल नहीं किया, अपनी झूठी इज्जत का ख्याल किया। आपने अपनी हट रखने के लिए मुझे मरने के लिए मजबूर कर दिया। आपको दहेज चाहिए, मुझे रजनी चाहिए। अब आप खूब दहेज दीजिए, मैं रजनी के साथ इस दुनिया से विदा हो रहा हूं। अब राजघाट से टकराने वाली लहरें हम दोनों को आशीर्वाद दें। आपका राजा, राजा। राजा को डूबने के लिए असली दुश्मन तो आप हैं। मैं दुश्मन नहीं, धनीराम दुश्मन है, तुम्हारा बाप दुश्मन है। नहीं बाबूजी, ये तो राजा के सर पर शादी का सेहरा बांधने आए थे, लेकिन आपने राजा के गले में दहेज की फांसी लगा दी। आपको राजा प्यारा नहीं था, 20,000 रुपए प्यारे थे। तू ठीक कहती है बेटी, बाप ही बेटे का दुश्मन होता है। अरे दहेज क्या मांगा, राजा की मौत मांग ली बेटी, राजा की मौत मांग ली। खुशरूप मेरा भी सर पकड़ते, मैंने झूठे अभिमान की वेदी पर अपनी बेटी की बलि देती। हम लोग बाप नहीं, हत्यारे फकीरचंद, हत्यारे। बाप हत्यारा नहीं होता है पिताजी, वो तो खुद को कुर्बान कर देता है अपनी औलाद पर। ये दोष आपका नहीं है, दोष है दहेज का, लोभ का, रस्म रिवाज का। तो उन्हें मरने की क्या जरूरत थी बेटा, तोड़ देते रस्म रिवाज, कर लेते शादी। लेकिन आपकी मर्जी के बगैर शादी कैसे कर सकते थे? आपने शादी के लिए मना जो किया था। शादी के लिए इजाजत की जरूरत है और मरने के लिए नहीं बेटे, मरने के लिए इजाजत। बाबूजी, आपकी मर्जी के खिलाफ उन्होंने शादी भी नहीं की और आत्महत्या भी नहीं। आत्महत्या नहीं की बाबूजी, हम जिंदा हैं। राजा, रजनी, राजा, रजनी मेरे राजा, बाबा, राजा, मेरा बेटा, राजा, बाबा, मेरा 20,000 का चेक, नहीं नहीं, मेरा बेटा बाबूजी, पगली, अच्छे बच्चे की ऐसी बातें क्या करती? ये क्या मालूम मेरी क्या हालत हुई मेरी। बाबूजी जी, क्या आप मुझे 10 रुपए देंगे? 10 रुपए
बेटा 10 रुपए नहीं, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा बेटे, 10,000 रुपए दूंगा राजा। धनीराम जी, धनीराम जी, इधर आइए, इधर आइए। क्या ख्याल है आपका? जो आपका ख्याल है, मेरा ख्याल है ये अभी भी राजी तो घर में बैठे काजी। घर मिलने वाले अब घर में बैठे काजी, कह दो रे कह दो है मियां बीबी राजी। मिलने वाले